पाकिस्तान ने एक बार फिर बड़ा दिल दुखाया। हमारी सियासत खत्म होती है, बनिया सियासत उधर शुरू होती है। बनिया हिंदू बनिया जो है ना, वो कुछ अगर गिरेगा भी तो देख के गिरता है कि वो कुछ उठाने के लिए। हमारी तो वैसे भी इंडिया के साथ नहीं बनती है ना, तो इसी वजह से कि मोदी ने अपनी कंट्री पे बहुत फोकस किया है और हम एज अ यू भी समझ सकते हैं कि एज अ जेलिसी। यार बेकारी, आगे चल यार, हट आगे चल। हमारे मुल्क में हर चीज है, गंदम हमारी है, गैस हमारा है, बिजली हमारी है, ये चावल हमारे हैं, हर चीज हमारी है। तो हिंदू बनिया एक सौ साल की अपनी प्लानिंग करता है। सऊदीया के अपने हालात कौन से ठीक है, कर्जा मांगते हैं उनसे, मांगते हैं, लेकिन जब उनको, जब मुसलमानों को उनकी जरूरत पड़ रही है, वो मदद कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम तो उनके क्यों कर, वो इसलिए हमारी कर रहे हैं क्योंकि हम उनकी जी जी कर रहे हैं, जी हजूरी कर रहे हैं। मुसलमान है ना, रान भी यहाँ भी मुसलमान है, उसको चाहिए कि मुसलमान का साथ दे, वो काफर का साथ क्यों देता है। जब से आंखें खोली हैं यही सुनने को मिल रहा है। शहबाज सरकार, उसने इंडिया के सामने सरेंडर करने के लिए पूरी पूरी तैयारी कर ली। आप दुनिया में चले जाएं, लोग इंडिया को पूछते हैं, पाकिस्तान को कोई नहीं पूछता। अगर आप मुझे ना भी बताती और आप मुझे कहती कि गेस करें कि कौन सा मुल्क है, तो मैं इंडिया ही करता हूँ। इंडिया से सीखे, मैं तो कहूँगा कि ऑब्वियसली सीखना चाहिए। हम लोगों का तो माइंडसेट इस तरह से सेट कर दिया है कि रोटी और कपड़े तक ही हमारी सोच महदूद हो गई है, लेकिन इसके अलावा और कोई प्रोग्रेस दिखती नजर नहीं आ रही। हम सिर्फ आज की प्लानिंग कर रहे हैं, हमें आज रोटी मिल गई, खुश होके सो जाएंगे, यार कल आएगा, कल देखी जाएगी। हिंदू बनिया ऐसा नहीं करता, वो आज की रोटी नहीं खाता, वो उसने आगे 10 साल की प्लानिंग करी हुई है। हमारे वजीर आजम बने थे, उनका कहना ये था कि पाकिस्तान जो चाय भी पी रहा है ना, वो भी कर्जे की पैसों की पी रहा है, अपने पैसों की नहीं पी रहा। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पाकिस्तान के अंदर चर्चा की जा रही है फॉरेन पॉलिसी को लेकर, और एक देश की जो प्लानिंग होती है ना, किस तरफ आगे बढ़ना है उसको लेकर, जहाँ पर बात ये सामने निकल कर आ रही है कि पाकिस्तानी पब्लिक कह रही है कि जो हिंदुओं की जो पब्लिक है, स्पेशली वो नाम ले रहे हैं हिंदू बनिया, उनकी जो प्लानिंग है ना, वो 10 से 20 साल की होती है। और दूसरी तरफ पाकिस्तानियों की प्लानिंग की अगर हम बात करें ना, तो वो यही नहीं पता होता है कि आज रोटी मिल गई तो कल की रोटी की प्लानिंग तक भी पाकिस्तानी नहीं करते। तो काफ़ी मज़ेदार वीडियो होगी, वीडियो पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सर, आपको क्या लगता है कि इंडिया, ना सिर्फ अमेज़न बल्कि बहुत सारी बड़ी कंपनीज, बहुत सारे बड़े ब्रांड्स इंडिया का रुख करते हमें नज़र आते हैं, क्या रीज़न्स लगते हैं आपको, क्या वजूहात है जिनकी वजह से हर जो ब्रांड है वो इंडिया की तरफ जा रहा है और उनको पॉलिसीज दे रहा है और उनको ही जो है फैसिलिटेट? द आंसर इज द सेम, द पॉपुलेशन बूम, द पॉपुलेशन 1,40,38 करोड़ की पॉपुलेशन में कम से कम 10 करोड़ बंदा बिलियनर होगा, यानी 1 बिलियनर नहीं, मे बी 20 बिलियन की उनकी अपनी एसेट्स होंगे और ही कैन बाई एनीथिंग। लिहाजा अब तो ये है कि टाटा बिरलाज इंडिया में वो तो कैंसर हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, देव हैव मेड अराउंड 15 कैंसर हॉस्पिटल्स इन इंडिया, टाटा बिरला। आप अमेजोन की बात कर रहे हैं, उन्होंने इतने कैंसर के हॉस्पिटल बना लिए हैं। लिहाजा द आंसर इज द पॉपुलेशन, जहाँ जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ वहाँ पर ये कारोबारी इदारे आएंगे। और सर, इंडिया ने बहुत कम टाइम में ना बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बना ली है, आपको क्या लगता है कि हमें क्या सीखने की ज़रूरत है, किस तरह से हम अपनी ये चपकलश निकल के, सियासी चपकलश से निकल कर इस तरफ आ सकते हैं कि हम डेवलप हो? गुड आंसर। देखो, जहाँ पर हमारी सियासत ख़त्म होती है, बनिया सियासत उधर शुरू होती है। बनिया हिंदू बनिया जो है ना, वो कुछ अगर गिरेगा भी तो देख के गिरता है कि वो कुछ उठाने के लिए। तो हिंदू बनिया एक सौ साल की अपनी प्लानिंग करता है, हम सिर्फ आज की प्लानिंग कर रहे हैं, हमें आज रोटी मिल गई, खुश होके सो जाएंगे, यार कल आएगा, कल देखी जाएगी। हिंदू बनिया ऐसा नहीं करता, वो आज की रोटी नहीं खाता, वो उसने आगे 10 साल की प्लानिंग करी हुई है। दिस इज़ वाई दे आर सक्सेसफुल, दे आर वेरी गुड प्लानर्स एंड वेरी सॉफ्ट, बड़े ये धीमे लोग हैं और सॉफ्ट कैरेक्टर्स के लोग हैं, ये जल्दी गुस्से में नहीं आते, एंड दे कीप ऑन प्रेशरिंग देयर कैरेक्टर्स टू फुलफिल देयर डिमांड, दैट इज़ वाई दे आर सक्सेसफुल इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप दुनिया में चले जाएँ, लोग इंडिया को पूछते हैं, पाकिस्तान को कोई नहीं पूछता अब तो। लेकिन जो अमेरिका है ना, वो पाकिस्तान पे दबाव डाल रहा है कि ईरान से नहीं लेना, क्या वजह हो सकती है? ये तो हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि दबाव में ना आए, क्योंकि हम अपने मुख्तार मुल्क के मालिक हैं, हम किसी के मुतहत नहीं है। अल्लाह का शुक्र है हमारे मुल्क में हर चीज है, हमको चाहिए कि हम अपनी बात मनवाए, किसी की बात ना माने। सर, हम उनसे अपनी बात मनवा कैसे सकते हैं, क्योंकि हम तो उनसे हर साल ही कर्जा ले रहे होते हैं IMF से, हम कैसे मनवा सकते हैं अपनी?
बस ये तो फिर ये इनको बड़ो काम है ना। अगर हम उनसे अपनी मनवाएंगे तो वो कहेंगे कि हमने तो आपको कर्जा ही नहीं देना, फिर तो ना दे कर्जा हम फिर मुल्क कैसे जा रहे हैं? नहीं हम कोई नहीं मरे जा रहे, हमारे मुल्क में हर चीज है, गंदम हमारी है, गैस हमारा है, बिजली हमारी है, ये चावल हमारे हैं, हर चीज हमारी है। वो तारक अजीज शो में तारक अजीज कहता था कि जिस मुल्क में समुद्र है, खुश्की है, पानी है, वो मुल्क कभी गरीब नहीं हो सकता। तो ये बात मैंने उसकी फॉलो की है। बाकी हमारे मुल्क में हर चीज है, लेकिन हमारे मुल्क में जो नहीं है ना, वो डिसिप्लिन नहीं है। तो इंडिया, क्योंकि अब देखें अगर आप मुझे ना भी बताती और आप मुझे कहती कि गेस करें कि कौन सा मुल्क है तो मैं इंडिया ही करता। उसके पीछे वजह ये है, एक तो ये है कि वहाँ पे आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रहा है, ठीक है, आईटी सेक्टर के और जितने भी बड़े, ये तो अमेज़ॉन है, उसके अलावा भी आप गूगल, फेसबुक, ये वो जहाँ भी देखेंगे ना, तो वहाँ पे जो उनके सीईओज हो ना, वो कहीं ना कहीं आपको इंडियन नज़र आ रहे होंगे वहाँ पे। तो इंडिया जो है, क्योंकि देखें ये बात है प्रायोरिटीज़ की, उन्होंने प्रायोरिटाइज़ किया हुआ आईटी सेक्टर को, और आप अगर दुनिया के 10 अमीर तरीन आदमी देखेंगे ना, उनमें शायद एक जो मस्क है वो आपको नॉन आईटी का मिलेगा, बाकी सारे जो अमीर तरीन लोग हैं ना वो आईटी सेक्टर से किसी ने, और वो टेस्ला की वजह से, और उसमें भी उन्होंने ज़्यादा जो है ना वो आईटी से मदद ली हुई है इस वजह से। तो आईटी का बड़ा किरदार है लोगों को अमीर करने में, लोगों जिस तरह की हमारी इकोनॉमीज़ हैं, जिस तरह के हमारे गरीब ममालिक हैं, इनको बूस्ट करने के लिए मेरे ख्याल में आईटी बेस्ट ऑप्शन है कि आईटी की तरफ लाया जाए। इंडिया यही चीज़ कर रहा है, थ्रू आउट हमने देखा कि वो आईटी पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं और इस वजह से वो तरक्की करें। हमारा एक कारफा टावर बना हुआ है और वो बस बना हुआ है, पड़ा हुआ है, और वो जो सैफ साहब उनके जो काम कर रहे थे उस पर, उनको भी हटा दिया था इमरान खान साहब ने, और अब पता नहीं अब क्या बनता है हमारा। लेकिन हैदराबाद में अगर ये बन रहा है तो मेरे ख्याल में जो रही सही कसर थी आईटी सेक्टर की इंडिया की, वो भी निकल जाएगी और इंडिया बहुत बड़ा बूस्ट लेने जा रहा है इसमें। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे सर, ना सिर्फ अमेज़न बल्कि बहुत सारे बड़े ब्रांड जो कि आईटी से रिलेटेड है और आईटी से रिलेटेड ना भी हो तो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट करना बहुत पसंद करते हैं और प्रेफर करते हैं, आखिर ऐसा क्यों है? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, देखें आप देख रही हैं दूसरी मोदी गवर्नमेंट आई है, ठीक है, और तीसरी की भी उम्मीद है कि शायद फिर वो जीत जाएँ। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ आपको मैक्सिमम जो है ना 5 साल का कह के ना 3 साल बाद आपकी गवर्नमेंट गिरा दी जाती है, वो इंटरनली हो, एक्सटर्नली हो, जैसे भी हो, आप पूरे 5 साल नहीं करते। और लोगों का यकीन तब पक्का होता है जब आपके घर में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, और जो बाहर का इन्वेस्टर है वो तब आता है जब वो देखे कि यहाँ का माहौल साजगार है, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ जुड़ा होता है वो माहौल, ठीक है। एक बंदा एक पॉलिसी लेके आता है और वो स्टेबल करने की कोशिश करता है तो उसको 5 साल 10 साल चाहिए। मोदी गवर्नमेंट अगर अपने इनिशिएटिव्स पे में कामयाब हो रही है तो उसके पीछे वजह ये है कि उन्हें अब जो दूसरी टर्म है, ठीक है, और अब वो आगे भी जाने को तैयार है। तो ये सबसे मेन चीज़ जो मेरे ख्याल में है वो ये है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी किसी मुल्क में तो फिर बैरूनी इन्वेस्टर्स आएंगे, वो इन्वेस्ट करेंगे, और यही हो रहा है इंडिया में। तो क्या कहना चाहेंगे सर, हम किस तरह से इस डेफिनेटली हम खुद जानते हैं कि इंडिया बहुत कम टाइम में एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बना चुका है, क्या कुछ सीखने की ज़रूरत है? सब कुछ सीखने की ज़रूरत है, सही पूछें तो हम जो है ना वो क्रॉलिंग जो बच्चा होता है ना उसकी मानन है अभी तक, और बच्चा भी वो जो किसी की नहीं मानता, ठीक है, और हम लोग मान नहीं किसी की रहे तो हमें सीखना है, ठीक है, फुट स्टेप्स पे चलना है किसी ना किसी के। आप अपनी दुश्मनियाँ और वो सारी जो चीज़ें रंजिशें वो रखें, वो कलशें जो हैं वो अपने अंदर रखें, लेकिन ये है कि जो चीज़ें सीखने की है ना, वो कहते हैं ना कि जब कोई बात है ना, जो कोई बंदा बात कर रहा हो तो उसकी बात पे फोकस करें, इंस्टेड के ये देखें कि वो बंदा कौन है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और यहाँ पर आपने वो जो बातें सुनी है पाकिस्तानी पब्लिक के द्वारा, जो भी बातें उन्होंने की हैं, जो नाम उन्होंने लिए हैं जैसे हिंदू बनिया वगैरह, प्लानिंग वगैरह है, तो जो मेन डिस्कस किया जा रहा है, जो टॉपिक इस वीडियो का था वो ये था इन्वेस्टमेंट को लेकर, जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जैसा कि हम देख रहे हैं भारत के अंदर लगातार इन्वेस्टमेंट हो रही है लेकिन पाकिस्तान के अंदर नहीं हो रही थी, इसके पीछे की वजह को डिस्कस किया जा रहा था कि क्यों नहीं हो पा रही है पाकिस्तान के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां, क्यों नहीं आ रही है इन्वेस्टमेंट लेकर और हिंदुस्तान में क्यों जा रही है। तो देखिए इसके पीछे के रीज़न को डिस्कस किया जाए, वो रीज़न वो साफ है, सिंपल है। पहला तो है टेररिज्म, आतंकवाद, जिस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद है, और हाल ही में भी आप देख सकते हो कि चाइनीज़ के ऊपर और पता नहीं पाकिस्तान के अंदर कहां कहां पर कितने ज़्यादा बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, तो इसकी वजह से भी कोई काम करने कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट लेकर नहीं आती है। दूसरी जो बड़ी वजह है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जिसके बारे में अक्सर पाकिस्तानी भी कहते रहते हैं लेकिन वो ये नहीं कहते हैं कि उनकी जो आर्मी है ना वो नहीं होने दे रही है। ये बात तो करते हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होनी चाहिए, एक गवर्नमेंट रहनी चाहिए, लेकिन इसके पीछे की जो मेन वजह है ना वो है इनकी आर्मी, और वो कभी नहीं चाहती हैं कि कोई एक नेता ऐसा उभर कर आ जाए पाकिस्तान में जो आर्मी को चुनौती देने लग जाए, इसलिए आर्मी टाइम रहते सभी को हटा देती है।
बाकी आपने पूरी वीडियो देखी है। अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।